तो ये देख सकते हैं मैं एकदम एंटीलिया के करीब आ गया, सामने आप सब देख सकते हैं। गाइस नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबने मेरा टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है, जी हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर और एशिया का सबसे पहला महंगा घर मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, यानी कि मुकेश अंबानी का हाउस एंटीलिया। तो चलिए सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ, दूर से कैसा दिखता है, पास से कैसा दिखता है, आसपास का क्या माहौल है और कितना बड़ा है, सारी चीज़ें इसके बारे में जो है वो आप सबको बताऊंगा। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये रोड आप सबको दिख रही होगी, ये रोड जो है वो पैडर रोड यानी कुमला हिल इस रोड का नाम है। चलिए यहाँ से जो है सीधे मैं जाऊँगा तो लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो है मुकेश अंबानी का जो है वो घर है यानी कि एंटीलिया। तो चलिए चलता हूँ और 200 मीटर जो है वो बस यहाँ से है। तो चलिए सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ, मुकेश अंबानी का घर किस तरीके का है, कितना बड़ा है। तो चलिए मैं व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ें आप सबको दिखाने वाला हूँ। और आप सबको बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये पॉश एरिया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेलिब्रिटी का घर जो है वो इधर आप सबको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप सबको मुकेश अंबानी का करीब से घर दिखाता हूँ और आसपास का ये एरिया देख सकते हैं कितना ज़्यादा पॉश एरिया है, बहुत ही महंगा एरिया है, करोड़ों के घर जो है यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है सेलिब्रिटी लोगों के घर हैं, सुनील शेट्टी का भी घर इधर ही है, पंकज उदास जी का भी घर इधर ही है। सारी चीज़ें चलिए आप सबको दिखाता हूँ। मुकेश अंबानी का घर यानी कि एंटीलिया, जो कि दुनिया का जो है वो दूसरा सबसे महंगा घर है और एशिया का सबसे महंगा घर। जी हाँ, अभी मैं देखिए आप सबको डब्लू दिख रहा होगा, जी हाँ, इसी डब्लू में जो है खजाना है। जी हाँ, और मैं आप सबको जो है करीब से भी दिखाऊँगा। चलिए सारी चीज़ें आप सबको करीब से दिखाता हूँ, कैसा दिखता है और किस तरीके की सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें जो है मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। अभी मैं लगभग 50 मीटर की दूरी पर हूँ और ये है मुकेश अंबानी का घर। तो ये देख सकते हैं मैं एकदम एंटीलिया के करीब आ गया, सामने आप सब देख सकते हैं ये है दो मेन गेट जो है मैं आप सबको दिखा रहा हूँ और किस तरीके से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो लगी हुई है, SPG कमांडो। जी हाँ, सबसे पहले इस घर की सिक्योरिटी के बारे में आप सबको बता दूं कि साल 2021 में अंबानी के बंगले यानी कि एंटीलिया से करीब 400 मीटर दूर एक कार खड़ी मिली। शक होने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें बम था और अंबानी फैमिली को जान से मारने की धमकी एक चिट्ठी में लिखी मिली। उसके बाद अंबानी फैमिली को Z+ सिक्योरिटी मिली। मुकेश अंबानी की सुरक्षा में 55 हाईली ट्रेंड सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। इस कवर में कम से कम 10 कमांडोज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि NSG के होते हैं। सारे सुरक्षाकर्मी मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड होते हैं। उनके पास घातक MP5 गन होती है और एक से बढ़कर एक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी गैजेट भी होते हैं। मुकेश अंबानी हर महीने करीब $22,000 लगभग 16 लाख रुपये का बिल चुकाते हैं। इस खर्च के अलावा सुरक्षाकर्मियों के रहने खाने की व्यवस्था भी अंबानी को करनी होती है। और ये एंटीलिया के पीछे का रास्ता जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, इधर भी जो है बहुत सारे गार्ड जो हैं वो लगे हुए हैं, पूरा जो है वो सिक्योरिटी से पूरा ये घेरा हुआ ये घर जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो है परिंदा भी पर जो है वो नहीं मार सकता। जी हाँ, मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के 15 अमीर आदमी के लिस्ट में है, दुनिया का दूसरा और भारत के पहले और सबसे महंगे घर के मालिक भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी है। अटलांटिक महासागर के एक द्वीप के नाम पर मुकेश अंबानी के घर का नाम एंटीलिया रखा गया। एंटीलिया एक पुर्तगाली शब्द एंटे इलाहा से बना है, जिसका अर्थ फॉर आइलैंड या फिर आइलैंड ऑफ द अदर और अपोजिट ऑफ आइलैंड होता है। कई हाईटेक सुविधाओं से लैस एंटीलिया जो मुंबई में है, 27 मंजिला या आलिशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस घर की अनुमानित कीमत $2 बिलियन है। इस घर में एक फ्लोर से लेकर 7 फ्लोर तक 168 कारों के लिए पार्किंग बनाई गई है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल, बाल रूम, 3 हेलीपैड, मंदिर, गार्डन, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर
और 50 लोगों के लिए होम थिएटर भी शामिल है। लगभग 15,000 करोड़ से तैयार हुआ एंटीलिया में 600 वर्कर काम करते हैं, जिससे मुकेश अंबानी एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह पेश आते हैं। अगर हम इन वर्कर की सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इनकी सैलरी की पूरी डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन यह बता सकते हैं कि एक सरकारी टॉप एग्जीक्यूटिव की जितनी सैलरी होती है उतनी इनके नौकर की सैलरी होती है। यहाँ के हर कर्मचारी की हर ज़रूरत को पूरा किया जाता है। यहाँ के कर्मचारी ऐसे रहते हैं जैसे 7-स्टार होटल में रह रहे हों, और वह एनी टाइम एसी में रहते हैं। यह घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर में एक मैनेजर होता है जिसकी सालाना इनकम 2 करोड़ रुपए है। आप सबको बता दो कि अभी सेंटिलिया हाउस में कोई भी नहीं है। जी हाँ, पूरी अंबानी फैमिली जो है वो शादी में गई, यानी कि अनंत अंबानी की जो है वो प्री वेडिंग है 1, 2, 3 मार्च, यानी कि 3 दिन जो है वो अनंत अंबानी की जो है वो प्री वेडिंग चल रही है, जो कि जामनगर गुजरात में। तो पूरी अंबानी फैमिली जो है वो वहीं पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, पूरा जो है वो इंडिया टीम वहाँ पर है, सारे बड़े नेशनल इंटरनेशनल मेहमान लोग जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। और आप सबको बता दूं कि राधिका मर्चेंट यानी कि जो नई नवेली दुल्हन है उनका ये ससुराल है। जी हाँ, तो उनका ससुराल मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, जो कि 15,000 करोड़ की इसकी कीमत है, और सारी सुख सुविधाएँ जो है वो इस एंटीलिया में है, जो मैं आप सबको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एंटीलिया 2010 में बनकर तैयार हुआ और इस घर की देखरेख जो है वो लगभग 600 एम्प्लॉई करते हैं। एंटीलिया के नीचे यानी कि 1 से लेकर 7 फ्लोर तक पार्किंग के लिए है, जिसमें जो है वो 168 कारें जो है वो पार्क हो सकती है। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में 50 सीटर सिनेमा हॉल और उसके ऊपर आउटडोर गार्डन बना है। वाइफ बच्चों और माँ के साथ अंबानी टॉप फ्लोर से ठीक नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। यहाँ सबके रहने के लिए सेपरेट जो है वो फ्लोर है। घर में लगी है जो है वो 9 लिफ्ट। जी हाँ, मुकेश अंबानी के इस घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए 9 लिफ्ट लगी है। घर में एक स्पा और इसके अलावा जो है वो आइसक्रीम पार्लर, योगा स्टूडियो जो है वो, और 3 स्विमिंग पूल है। जी हाँ, आप सबको एक और बात बता दूं कि अगर आप सब यहाँ पर आ रहे हैं व्लॉगिंग करने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि अगर आप जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए वीडियो बनाते हुए, तो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आपका फ़ोन जो है वो ले लेंगे और सारी क्लिप जो है वो डिलीट कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। जी हाँ, जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो वहाँ के गार्ड जो हैं, जो कि सिविल ड्रेस में थे, लेकिन उन्होंने जो है मुझे देख लिया कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो वो लोग समझ गए कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक व्लॉगर हूँ। तो वो मुझे जो है मेरा फ़ोन लेके सारी क्लिप जो है वो डिलीट कर दिए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला गया, थोड़ी देर के बाद फिर आया और फिर छुप के सारी चीज़ें जो है मैं फिर से रिकॉर्डिंग किया और फिर से ये व्लॉग आप सबको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सब जाएँ तो थोड़ा सा सतर्क रहें। फाइनली मैंने जो है आप सबको सारी चीज़ें दिखा दी। मुकेश अंबानी का घर यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर और एशिया का पहला सबसे महंगा घर मैंने आप सबको दिखा दिया, सारी चीज़ें उसके बारे में बता दिया। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए, इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।